यूपी के जिला औरैया में वाहन चेकिंग के दौरान 3 साल से वांछित 25,000 के इनामी फरार चल रहे छहमार गैंग के एक अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मार करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम साहिब उर्फ मुनाजिर है। बदमाश के ऊपर जिला औरैया समेत जिले में मामले दर्ज हैं। घायल बदमाश को पुलिस ने सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे सैफई रेफर कर दिया गया। ये आज थाना बेला के अंतर्गत जब पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग करी जा रही थी, उसमें जब पुलिस द्वारा एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका गया तो उस मोटरसाइकिल सवार द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। साथ ही पुलिस की भी जवाबी कार्रवाई करी गई, जिसमें वो जो व्यक्ति था वो घायल हुआ, पैर पे गोली लगी है। पूछताछ में सामने आया है कि एक ये अपराधी है मुनाजिर उर्फ सैफ उर्फ साहिब, जो थाना बेला से एक लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था वर्ष 2018 के, और इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था। इस अपराधी के ऊपर जिला पुलिस के साथ साथ एसटीएफ और प्रदेश के अन्य जगहों की भी फोर्स लगी हुई थी। ये छहमार प्रजाति का अपराधी है और इसने बताया है कि यहाँ बेला में इसने एक घटना करी थी, घर में घुस करके लूटपाट करी थी रात में अपने कुछ अन्य साथियों के साथ। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि कुछ और जनपदों में भी इन्होंने अलग अलग जगहों पे लूटपाट और डकैती की घटनाओं में शामिल रहा है। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। इसके साथ सर और कोई था सर क्या? ये फिलहाल अभी ये अपराधी गिरफ्तार किया गया है, इनके अन्य साथियों की तलाश करी जा रही है। जो भी इसमें साथी इनके साथ रहे होंगे उन सबकी तलाश करेंगे और जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे।